Hello, so dear students, we will solve this problem. In fact, we will draw the graph of this function f of x equal to mod of x minus 1 plus mod of x minus 3. क्या हो गया कि अभी तक कि हमने मॉडुलस फंक्शन के ग्राफ्स निकाले, बेसिक ग्राफ निकाला, फिर बेसिक ग्राफ से ग्राफ ट्रांसफॉर्मेशन का कॉन्सेप्ट यूज करते हुए हमने और भी बहुत सारे ग्राफ्स मॉडुलस फंक्शंस के ड्रॉ किए लास्ट लेक्चर्स में। हाँ, अब इसको देखते हैं। ये फंक्शन है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स माइनस वन मॉड ऑफ एक्स माइनस थ्री, इसका ग्राफ ड्रॉ करते हैं। मेरे ख्याल आपको कुछ याद आ गया होगा कि ऐसे कुछ प्रॉब्लम्स को हमने सॉल्व किया था मॉडुलस इक्वेशन में। मॉडुलस इक्वेशन में आपने कैसे सॉल्व किया था कि जैसे मॉड ऑफ एक्स माइनस वन प्लस एक्स माइनस थ्री इक्वल टू फोर, ओके सॉल्व। तो अब यही वाला प्रॉब्लम हमने जब वहाँ अलजेब्रिक सॉल्व किया था, यहाँ हम ग्राफिकली सॉल्व कर सकते हैं, वो भी बताऊंगा मैं। पहले हम इसका ग्राफ प्लॉट करते हैं, फिर इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे बहुत सारे प्रॉब्लम एक साथ आ जाएगा अगर इस वाले फंक्शंस को आप फंक्शंस का ग्राफ ड्रॉ कर लेते। देखो, इसको इसको छोड़ दीजिए, इसको आपने एक फंक्शन मान लेना है जो आपका वाई वन, और इसको दूसरा फंक्शन मान लेना है जो आपका वाई टू है। वाई वन ये फंक्शन हो गया, वाई टू ये फंक्शन हो गया, मतलब ये दो डिस्टिंक्ट फंक्शन है। एंड वी विल प्लॉट द ग्राफ ऑफ दीज टू डिस्टिंक्ट फंक्शन ऑन अ सेम एक्स वाई प्लेन, एंड वी विल सी एट व्हाट पॉइंट दीज टू ग्राफ्स आर इंटरसेक्टिंग। द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन विल बी द सॉल्यूशन, ठीक है। जो जो करस्पोंडिंग एक्स होंगे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन के, वो इस इक्वेशन के सॉल्यूशन होंगे। तो अल्टीमेटली आपको क्या करना पड़ेगा, इन दोनों फंक्शन का ग्राफ प्लॉट करना पड़ेगा। वाई इक्वल टू टू लाइन सब जानते हैं। अब ये फंक्शन जो है मोड ऑफ एक्स माइनस वन प्लस मोड ऑफ एक्स माइनस थ्री, इसका ग्राफ हम कैसे बनाएंगे उसको देखना है, और फिर इक्वेशन भी सॉल्व हो जाएगा। तो सो मेनी प्रॉब्लम्स वी कैन सॉल्व डायरेक्टली फ्रॉम दिस ग्राफ, ओके। तो पहले ग्राफ बना लेते हैं। तो ग्राफ बनाना है तो जैसे मैंने बोला था कि एफ ऑफ एक्स को आप किससे रिप्रेजेंट करते हैं, जो एफ ऑफ एक्स है वो वाई से रिप्रेजेंट करता है। आउटपुट जो होता है ग्राफ फंक्शन का, वो हमेशा वाई से रिप्रेजेंट करते हैं, ये बात तो मालूम हो गई हमको। तो ये वाई हो गया, वाई इज इक्वल टू मोड ऑफ एक्स माइनस वन प्लस एक्स माइनस थ्री। सी, ये मैं थोड़ा सा बड़ा बड़ा इसलिए लिख रहा हूँ ताकि आपको प्रॉपरली विजिबल हो जाए। और आप क्या करो, ईयरफोन लगा लो, ईयरफोन लगा लेंगे तो आपको साउंड में भी कोई प्रॉब्लम नहीं जाएगी, ठीक है। अब इसको हमने अलजेब्रिकली जो सॉल्व किया था, जिस पैटर्न में हमने सॉल्व किया था, सेम वे में इसको यहाँ पे सॉल्व करते। तो यहाँ से क्रिटिकल पॉइंट मिलेगा x इक्वल टू वन, यहाँ से क्रिटिकल पॉइंट मिलेगा x इक्वल टू थ्री। क्रिटिकल पॉइंट क्या करेगा, पूरे नंबर लाइन को ये तीन सब डिवीजन में डिवाइड कर देगा, ठीक है। ये रीजन वन, ये रीजन टू और ये रीजन थ्री, ये तीन रीजन हो जाते। तो ऑल द मीन्स रियल नंबर्स आर नाउ डिवाइडेड इनटू द थ्री रीजन, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड। एंड ऑफ कोर्स यू कैन इंक्लूड वन एंड थ्री टू एनी वन ऑफ द थ्री रीजन, और यू कैन एक्सक्लूड वन एंड थ्री फ्रॉम दीज थ्री रीजन, वन सेकेंड एंड थर्ड। एंड यू कैन चेक द फॉर एक्स इक्वल टू वन एंड एक्स इक्वल टू थ्री सॉल्यूशन फॉर दिस इक्वेशन सेपरेटली, ये कर सकते हैं आप, अलग से चेक कर सकते हैं। तो ये प्रोसेस तो हमने ऑलरेडी किया है। अब आप देखना केस वन, मैं यहाँ लिखता हूँ केस वन, व्हेन एक्स इज लेस देन वन। एक्स अगर लेस देन वन है ऐसी कंडीशन में इसको हम सॉल्व करेंगे, मतलब मॉड को ओपन करेंगे, मॉड ओपन करेंगे वाई इक्वल टू, ठीक है। इसको ओपन करते हैं, लेस देन वन है, लेस देन वन है, कोई भी नंबर लिया, जीरो जीरो लिया, जीरो माइनस वन माइनस, यानी इनसाइड वाला जो ये फंक्शन है मॉड के अंदर में, ये फंक्शन ऑलरेडी नेगेटिव है, इस रीजन में नेगेटिव है, तो मॉड से ओपन होगा तो नेगेटिव में ओपन होगा, सो दैट इट बिकम्स पॉजिटिव। द नेगेटिव क्वांटिटी आफ्टर कमिंग आउट
of the mod will become positive. And how it will become positive? Negative के सामने में एक और negative लगा देते हैं. So just open this function. तो ये negative में open होगा तो ये क्या बन जाएगा? 1 minus x. अब यहाँ plus है. इसको open करो. इसको open किया. इस region में x is less than 1. Less than 1 it means that x minus 3 will be negative. So this function is also open in negative. Negative में open करेंगे मतलब ये 3 minus x. ओपनिंग ऑफ मॉड मैंने बोला तो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इसमें. अब आप लोग एक्सपर्ट हो गए तो दिस बिकम्स y इक्वल टू 4 माइनस 2x. ये हो गया. इसको ऐसे ही रखो. इसका ग्राफ बना सकते हैं. लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल है. 10th क्लास में आपने ड्रॉ किया था. कोई इशू नहीं. अभी नहीं ड्रॉ करते, इसको यहीं रख देते हैं. ठीक है, अब आते केस टू में. केस टू यहाँ बना लेते. ठीक है, तो केस टू में अब when x when a line between 1 and 3. रीजन कौन सा लिया हमने? सेकेंड वाला. जब x जो है जो रियल नंबर है वो 1 और 3 के बीच में है. ठीक है, तो 1 और 3 के बीच में मॉड को ओपन करेंगे तो y इक्वल 1 से बड़ा आ गया. अभी इस रीजन में x जो है वो 1 से बड़ा है तो ये पॉजिटिव हो गया. एज इट इज में ओपन होगा x माइनस 1. ठीक है, और प्लस. लेकिन ये अभी भी 3 से छोटा है. 3 से छोटा है इसका मतलब वो नेगेटिव में ओपन होगा. नेगेटिव में ओपन होगा मतलब 3 माइनस x. एक्स एक्स कट गया तो y इक्वल टू आया. रीड आउट करिए, समझिए इसको. y इक्वल टू आया. इस रीजन में आउटपुट हमेशा 2 आ रहा है फॉर एवरी इनपुट विच आर लाइंग बिटवीन 1 एंड 3. दैट शोज दैट द सॉल्यूशन ऑफ दिस मॉडुलस इक्वेशन in the region second where real numbers are lying between 1 and 3, each input will give the same output and that output is 2. वो output 2 है, इसको हमेशा read out करते हैं. ठीक है, तो कोई भी x input करेंगे तो output हमेशा 2 आएगा. लेकिन वो जो x input हो रहा है वो किस region से आ रहा है? Second region से. That is all those real number which are lying between 1 and 3. तो नाउ आई कैन प्लॉट द ग्राफ ऑफ दिस. कैसे? y इक्वल टू 2 लाइंस बना देंगे. लेकिन y इक्वल टू 2 लाइंस सिर्फ फॉर उन x के लिए जो 1 और 3 के बीच में. तो ग्राफ देखते हैं. 1 2 3 4 1 2. ये हो गया. माइनस 1 माइनस 2 और ये फिर आगे बढ़ते जाएगा. ठीक, तो अब क्या करते हैं? 1 और 3 के बीच का रीजन के लिए y इज इक्वल टू ये है आपका y इक्वल टू 2 लाइन. दिस इज y इज इक्वल टू 2 लाइन इन जनरल. y इक्वल टू 2 लाइंस. ओके, बट y इक्वल टू 2 ओवर हियर व्हेन x is lying between 1 and 3. 1 and 3 के लिए है तो ये हो गया 1 and 3. मतलब अब इतना ही पोर्शन हमको रखना है. ठीक है, बाकी पोर्शन को डिलीट कर देना है. सो जस्ट डिलीट दिस वन. तो ये ग्राफ बन गया. ठीक है, सो दिस इज द ग्राफ ऑफ this y equal to 2 when x is lying between 1 and 3. ठीक है, अब इसका ड्रॉप ग्राफ बनाया जा सकता है. ठीक है, x is less than 1, less than 1. अगर मैंने यहाँ पे 1 ही लिया, 1 के लिए लेते हैं तो ये 4 माइनस 2 1 के लिए 2 हो जाएगा. और less than 1 के लिए मान लेंगे मैंने 0 ले लिया, 0 ले लिया तो ये 4 हो गया. 4 हो गया मतलब यहाँ से ये ऐसे ग्राफ चलेगा. ये जहाँ कट रहा है ये 4 हो जाएगा वाई में. जब x 0 होगा तो ये 4 हो जाएगा वाई. x 0 है तो वाई 4 हो गया. करेक्ट है. तो ये इस पोर्शन को बना दिए. अब आते हैं इस तीसरे वाले रीजन में. तीसरा रीजन क्या है? केस 3. केस 3 देखते हैं. y इक्वल टू मॉड को ओपन करना है. ठीक है, y इक्वल टू हो जाएगा
थ्री से ज्यादा, ये भी पॉजिटिव में खुलेगा ये भी पॉजिटिव में खुलेगा, एक्स माइनस वन प्लस एक्स माइनस थ्री दिस इज टू एक्स माइनस फोर वाई इक्वल टू, नाउ वी कैन प्लॉट ग्रेटर देन थ्री, फोर ले लिया, फोर टू द एट, एट माइनस फोर दैट इज फोर, तो जब फोर रहेगा तो वो एट हो जाएगा, तो ये फोर है ये एट है, इसका मतलब ग्राफ इधर जाएगा, सो द ग्राफ विल बी लाइक दैट, ओके ठीक है, जब ये फोर होगा तो ये इधर एट हो जाएगा, ठीक है नहीं फोर हो जाएगा, फोर टू ज एट माइनस फोर, फोर कॉमा फोर पर ये हो जाएगा, ये पॉइंट ऐसा आएगा, ठीक है फोर कॉमा फोर ठीक, सो दिस इज द ग्राफ ऑफ दिस y इक्वल टू मॉड ऑफ x माइनस वन प्लस मॉड ऑफ x माइनस थ्री, ये हो गया ग्राफ, आई होप दैट पूरा पॉइंट्स क्लियर हुआ होगा, ठीक है। अच्छा अब दूसरे प्रॉब्लम्स को देखते हैं, दूसरा प्रॉब्लम क्या होगा, सॉल्व, बहुत सारे प्रॉब्लम्स अब आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है मैंने ये बोल दिया, सबको मैं डिलीट कर देता हूँ, सिर्फ ग्राफ को रखना है, ठीक है ग्राफ को मैंने रख लेना है, बाकी सब डिलीट कर देना है, ठीक। सॉल्व मॉड ऑफ एक्स माइनस वन प्लस मॉड ऑफ एक्स माइनस थ्री इक्वल टू टू, इसको सॉल्व करना है, इसको सॉल्व करेंगे तो ये कैसे आएगा, अभी आपने क्या करना है, इसको एक फंक्शन मान लेना है वाई वन, इसको फंक्शन मान लेना है वाई टू, ठीक है दो अलग अलग ग्राफ बनाने हैं, इस वाले फंक्शन का ग्राफ ये मैं बना चुका हूँ, ठीक है, और y इक्वल टू टू लाइन्स ये होगी, ये y इक्वल टू टू लाइन है, y इक्वल टू टू लाइन और y इक्वल टू मॉड ऑफ x माइनस वन प्लस मॉड ऑफ x माइनस थ्री, ये दोनों ग्राफ को मैंने प्लॉट कर लिया, दोनों ग्राफ जहां जहां इंटरसेक्ट करेंगे वो सब इसके सॉल्यूशन होंगे, उसके करस्पॉन्डिंग x, तो देखो इंटरसेक्शन कहाँ का आया, इंटरसेक्शन यहाँ आया, दोनों ग्राफ इस रीजन में इंटरसेक्ट कर रहे हैं, मतलब यहां से लेके यहां तक के x, सो दिस इज वन इज लेस देन x लेस देन थ्री, ओके अब बच गया वन और थ्री, वन भी इसमें इंक्लूड है और थ्री भी इसमें इंक्लूड है, दोनों इंक्लूड है, सर्कल कहीं पुट नहीं किया, अब ऐसे भी चेक कर सकते, वन लिया तो ये जीरो, वन लिया तो ये मोड ऑफ टू, मोड ऑफ टू इक्वल टू, थ्री लिया तो फिर ये जीरो हो जाएगा और ये टू हो जाएगा, ठीक है तो यहाँ पे वन को भी इंक्लूड करना है और थ्री को भी इंक्लूड करना है, तो फाइनली ये मेरा आंसर आ जाएगा, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन अगर हमने लिया कि सपोज करो मैंने क्या लिया, वाई इक्वल टू ये फोर ले लिया, ठीक है अब सॉल्व मॉड ऑफ एक्स माइनस वन प्लस मॉड ऑफ एक्स माइनस थ्री दैट इज इक्वल टू फोर, तो इसका ग्राफ बना लिया, वाई वन का ग्राफ तो ये बन गया, ठीक है ये बन गया वाई वन का ग्राफ, ठीक ये हो गया। अब आपको क्या करना है, वाई टू इक्वल टू फोर का ग्राफ बनाना है, फोर का ग्राफ कैसे बनाएंगे, ये लाइन फोर हो जाएगी, ये y इक्वल टू फोर कहाँ का इंटरसेक्ट किया, यहाँ इंटरसेक्ट किया और यहाँ इंटरसेक्ट किया, यहाँ x क्या है, x इक्वल टू फोर है और यहाँ x क्या है, x इक्वल टू जीरो है, तो x इक्वल टू जीरो एंड x इक्वल टू फोर विल बी द सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन, यू कैन चेक इट, जीरो लिया तो मॉड ऑफ वन माइनस वन वन हो जाएगा, जीरो लिया मॉड ऑफ माइनस थ्री मॉडुलस थ्री हो जाएगा, वन प्लस थ्री फोर सेटिस्फाइड, फोर लिया फोर माइनस वन थ्री हो जाएगा, फोर माइनस थ्री वन दैट इज वन, थ्री प्लस वन फोर, सो एक्स इक्वल टू जीरो एंड एक्स इक्वल टू फोर विल बी द सोल्यूशन ऑफ दिस मॉडुलस इक्वेशन, ओके डायरेक्टली, सो जस्ट ड्रॉइंग द ग्राफ वी कैन सॉल्व दिस, इवन यू कैन सॉल्व द इनइक्वालिटी, इनइक्वालिटी से लेस देन फोर, लेस देन फोर, सो सॉल्व मॉड ऑफ एक्स माइनस वन प्लस मॉड ऑफ एक्स माइनस थ्री लेस देन फोर, फोर का लाइन ये हो गया, ये फोर का लाइन है, ठीक है ये जो ग्राफ आपने बनाया है ये ग्राफ
ये है मॉड ऑफ एक्स माइनस वन प्लस मॉड ऑफ एक्स माइनस थ्री. नाउ आई वांट ऑल दोज वाई विच आर लेस देन फोर. लेस देन फोर कहाँ का आएगा? ये है, 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 ये पोर्शन लेस देन फोर है. ठीक है, यहाँ सब में y जो है वो लेस देन फोर है. तो लेस देन फोर y कहाँ का है? यहाँ से देखिए इसके बीच में. तो ये जो x आ रहा है जिसमें y लेस देन फोर है, वो x कहाँ के बीच का है? तो जीरो इज लेस देन x इज लेस देन फोर. ठीक है, ठीक. यहाँ जीरो से जो भी आगे नंबर एक्स मिलेगा उसके लिए करस्पॉन्डिंग वाई फोर से स्मॉल है. फोर से जो भी नंबर मिलेगा इसके लेफ्ट हैंड साइड में जो भी एक्स है उसके लिए करस्पॉन्डिंग वाई लेस देन फोर है. सो ऑल दोज रियल नंबर विच आर लाइंग बिटवीन जीरो एंड फोर विल सेटिस्फाई दिस इनइक्वालिटी. ठीक है, तो ग्राफ बनाने के बाद में ये सारे क्वेश्चन बहुत आसानी से आप सॉल्व कर सकते हो. स्टार्टिंग में मैंने बताया था. आई होप दैट ये पॉइंट क्लियर हुआ होगा, आपको कोई इशू नहीं होना चाहिए. ठीक.